सिम बेचने पे 12 करोड़ का जुर्माना। सुना कभी ऐसा? नहीं सुना ना। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ हैदराबाद की, मतलब हैदराबाद का केस है और ये पटियाला से, ये पटियाला टू हैदराबाद। इस वीडियो को आगे शेयर कर देना किसी ना किसी भाई जो बच सके, किसी पे ऐसा दंड ना आए जो सिम बेचता है उस भाई के ऊपर। हेलो, कैसे हो सर जी? भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, ठीक ठाक हो? ठीक है भैया। और बताओ, घर पे सब ठीक ठाक है? बढ़िया बढ़िया भैया। अच्छा, तो मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि अब क्या हुआ उन भाई का, कुछ अपडेट पता चला उनका? नहीं अभी आए नहीं, उसका भाई गया हुआ जो हमारे लिए, अभी तक आए नहीं वापस। अच्छा, तो अभी कुछ नहीं। तो एक बार मेरे को दोबारा रिपीट करके बता दोगे ये माजरा हुआ क्या था एक बार? ये पता क्या था, जैसे मैंने आपसे सिम ली, हाँ मैंने खुद ही लिया सिम, ठीक है, चल मैंने फोटो भी खिंचवा ली, कुछ भी कर दिया मैंने, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने वो सिम एक्टिव होने के साथ साथ किसी और को भी चलाने के लिए, तुम चलाओ भैया। अच्छा, अपनी तरफ से। हाँ, उसपे क्या हुआ कि जब उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया उस सिम से, हुँ. तो पुलिस वाले आपको उठाएंगे? बिल्कुल। हाँ, मैंने सिम आपने बेची है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा सर मैंने सिम ली नहीं इनसे, अगर बोलेगा क्यों, मतलब प्रूफ, मैं बोलूंगा अगर मैंने सिम ली होती उससे मैं कोई तो कॉल करता, मेरी एक भी कॉलिंग नहीं है सिम से। केस कहाँ का था ये? हैदराबाद। और आप पटियाला से? समाना। समाना, समाना पटियाला से? हाँ हाँ, पटियाला से आगे समाना है 30 किलोमीटर। अच्छा, तो वो आपका पड़ोसी था वो भैया? हाँ वो मेरा पड़ोसी था। अच्छा, तो जैसे आपने कुछ उनके घर वालों से या कुछ भैया भैया से कुछ बात हुई है कैसे कुछ? नहीं, मेरे उनके फ्रेंड से बात हुई। पता है क्या, अगर मैं अगर जाऊंगा ना, जैसे पड़ोसी बोलता है, बोलता है ये ना मजा लेने के लिए मेरे पास। अच्छा, तो बातें नहीं, इस वजह से मैं नहीं गया था, और मुझे अंदर से बहुत फील है कि यार ये कम नहीं होना चाहिए। कल उससे हुआ है, फिर मेरे से भी हो सकता है, बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करे कोई भरे कोई, ये तो वो काम हुआ है। बिल्कुल, अगर बंदा ले तबला करेगा तो क्या यहाँ पे रहेगा? सही कह रहे हो इस बात को। छोड़ने वाली बात तो ये है ना, ये तो मुगल की हरासमेंट ही है बस, जो वो देंगे जो भी करेंगे वो, क्यों आपने सिर से लिया थोड़ा मैं बोल दिया। अरे नहीं भाई, वो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। मैं पता ऐसा ना, जो हम जिस लाइन ऐसी है, हाँ जिस हम कम्युनिटी में रहते हैं, कम से कम किसी को तो ये भला हो जाए, किसी का फायदा तो हो जाए कि वो आगे ऐसी परेशानी में ना फंसे। अब एक छोटी सी बात ये बताओ, अगर वो बंदा 12 करोड़ का कोई घपलाबाजी करता तो मुझे नहीं लगता कि वो दुकान खोल के बैठता दुकान पे। हाँ, तो मैं ये, अगर किसी को बाई चांस अगर 1-2,50,000 रुपए मिल जाते हैं ना, तो वो 2-4 दिन के लिए भी इधर उधर भाग जाता हो। हाँ। तो भाई ये उस बंदे को सिंपल सा कैसे भी लगा लो कि फंसाया जा रहा, या कस्टमर ने ही सिम एक्टिवेट करवा के किसी को दी है, ठीक है। हाँ। तो यही है भाई, यही है। चलो ठीक है, मैं ये एक थोड़ा अपने मान लो सिम को ये बेचता है ना, अगर वो साजर कॉल रिकॉर्डिंग करता है फिर बचेगा, वरना बंदा बच ही नहीं पाएगा। अरे सर, इनका ना कोई पता नहीं है। इनका पहले तो ये बोलते थे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि भैया पहले रफ रजिस्टर में एंट्री करो, और पहले जब रजिस्टर में एंट्री करते थे, जब बोलने लगे कि यार कॉपी भरती है, लिखना पड़ता, ये है, तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जब जियो आया तो जियो के बाद में KYC वाला थंब वाला स्टार्ट कर दिया, अब फिर बंद कर दिया, फिर इन्होंने बोल दिया कि सर नहीं, लाइव फोटो खींचेगा, थंब की कोई जरूरत नहीं है, आधार कार्ड का फोटो खींचेगा, है ना सर? एक बार सोचो, लाइव फोटो भी खींच ली हमने, हाँ, जब वो बंदा ये बोल देगा मैं तो गया ही नहीं इसके पास, मैंने नहीं सिम नहीं लिया, मेरी एक भी कॉलिंग नहीं है सिम के ऊपर से, अगर मैं सिम लूंगा कम से कम फोन तो करूंगा एक बार उससे। नहीं सर, ऐसा ना, कुछ बंदे ऐसे होते हैं क्राइम माइंड के ही होते हैं, तो वो उसी चीज से लेके चलते हैं। अब किसी के मुंह पे यार 2-3 साल बाद कोई दुकान पे आता है, क्या हम उसकी रिकॉर्डिंग रखेंगे कि ये बंदा मेरे से सिम लेके गया था नहीं गया? है एक मतलब रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में सेव करनी पड़ेगी ना, वो डेट याद करनी पड़ेगी, 10 तारीख को, बस ये है। नहीं सर, इतना यार, इतना रिस्की लेता नहीं है कोई भी, क्योंकि अब रिचार्ज पे कितना बचता है, 2.5% के पीछे काम होता है,
2.5% प्रॉफिट दे रही कंपनी, फिर उसके बाद इनके इतने सारे रूल फॉलो करो और वो करो, तो आने वाले टाइम में क्या करेंगे? हम सब दुकानदार यही करेंगे कि भैया हम सिम एक्टिवेट ना कर रहे और ना हम रिचार्ज कर रहे। आज रिचार्ज की कोई बात नहीं है, लोग वाग डिजिटल हुए पड़े, सब ऑनलाइन गूगल पे फोन पे पेटीएम सब उससे कर सकते हैं, रिचार्ज की कोई बात नहीं है। पर आज की डेट में जो कस्टमर दुकान पे आ रहा है वो सिर्फ सिम लेने के लिए आ रहा है। हाँ, रिचार्ज तो वो खुद ही कर लेते हैं वो। मैंने अपने पड़ोसी को सिम बेचा है। हाँ, वो पंजाब का है, उसने एक भैया को सिम दे दिया चलाने के लिए। अब कल को उसकी एक भी कॉलिंग नहीं है उस सिम से। बताओ। कल को वो बोले मैंने सिम ली नहीं, अबे मैं लेता फोन ना करता तुमसे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतनी बात बोल दे, बोल रिकॉर्डिंग चेक करो, एक भी कॉल नहीं, इसने मेरा डुप्लीकेट सिम बना के भेज दिया है। हम क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। बात तो ये है कि हम किसी पर सिक्योर हो, कोई ऐसा सिस्टम बने जिससे हम सिक्योर हो जाए, बस ठीक है भाई। यही है कि सुनो, इसका यही है, कम्युनिटी बनाओ, कम्युनिटी ऐसी बनाओ जिस एरिया में वो तो ठीक है, लेकिन आगे करना तो यही पड़ेगा ना, करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कम्युनिटी बनेगी नहीं, जब तक ये कंपनी वाले खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमारे यहाँ पता क्या सिस्टम है, मान लो मैं अगर काम नहीं करूंगा ना, वो अच्छा ही नहीं कर रहा, हमारा काम हमारी चल बढ़ जाएगी, बस ये सोच है यार। वो तो बात ठीक है सर, लेकिन अगर हर कोई बंदा ऐसे सोचने लगा ना, फिर ना होगा काम। फिर अगर रियलिटी में बताऊं, जब तक हम सारे भाई एक साथ जुट ना होंगे ना, अगर हम एक हो जाए ना, अगर हम एक हो जाए तो कोई भी, जैसे मान लो अब देखो किसानों ने हड़ताल की, दिल्ली में बैठ रहे, इसी तरह ना बैठ रहे, बिल्कुल हमारी हमारी एकता ही नहीं है। वो बोलता नहीं यार, मेरा तो काम, मैं पैसे दे काम करा लूंगा, मेरी जरूरत नहीं है किसी की। राम राम जी, कैसे हो आप सब, और सुनाओ घर पे सब ठीक ठाक हैं? भाई आज की डेट में क्या करें यार, कौन सा ऐसा काम करें कि जो हम आलतू फालतू चीजों से बचें? कैसे बचें आलतू फालतू चीजों से, ये बताओ मेरे को। मैंने एक LCD परचेज की थी, मैंने पैसे दिए और LCD मेरे घर आ गई। मैंने पैसे दिए थे नई LCD के लिए, ना कि डिफेक्टेड पीस के लिए। कंपनी वालों ने डिफेक्टेड पीस भेज दिया, उन्होंने मेरे को LCD ना दी, मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दिया। 2021 मार्च का मेरा केस है, 2022 चल रही है, मार्च भी गया, अप्रैल भी गई, मई चल रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई कैसी भी सुनवाई नहीं है। बताओ, मतलब हम ना चाहते भी इन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये तो हो गया मेरा मैटर। एक ऐसा ही केस है पटियाला का, और भाई जो केस हुआ है वो हुआ हैदराबाद में। अब जो हैदराबाद की पुलिस है वो एक दुकानदार को लेके गई है, उठा के लेके गई है। ये मैंने किसी भाई से सुनी है जिससे मैं बात कर रहा था, उनसे सुनी, उन्होंने मेरे को बताई है। उन्होंने हमदर्दी लगा लो कैसे भी लगा लो, पर हम लोगों में एकता तो है नहीं, हम किसी दुकानदारों में एकता नहीं है, हमें सब में फूट है, ठीक है। अगर एकता होती तो आज शायद ये काम नहीं होता उस भाई के साथ में। तो उसने ये सारी चीज़ बताई है कि सर ऐसे ऐसे बात था, मेरा पड़ोसी था, सिर्फ उसने सिम बेची और सिम बेचने के बाद में पुलिस वाले उठा के ले गए। देखो ये बात तो सब जगह हो चुकी है, कई बार ऐसा भी मेरे यहाँ पे भी हो चुकी है, और एक मेरा पड़ोसी था भाई भोला किठवाड़ी का, उसको भी ऐसे ही हो चुका। एक भाई था कमल STD, उसको भी उठा के लेके गई थी पुलिस, वो वहाँ का था, गुड़गांव का, उसके साथ भी ऐसा केस हुआ। एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी बात मेरी को बताओ, हम मोबाइल की दुकान खोल के बैठे हैं, हम हैंडसेट भी बेचते हैं, चार्जर बेचते हैं, लीड भी बेचते हैं, फ़ोन रिपेयर भी करते हैं, सिम भी नई बेचते हैं, रिचार्ज भी करते हैं। लाइन में कैटेगरी बढ़ चुकी हैं, कैटेगरी बढ़ चुकी हैं कि भाई मैं तो खाली फोल्डर फोल्डर का काम कर रहा हूँ, मैं खाली रिपेयरिंग कर रहा हूँ, मैं खाली नए फ़ोन परचेज सेल कर रहा हूँ, मैं खाली कवर और ग्लास का काम कर रहा हूँ, और कुछ भाई ऐसे हैं जो खाली सिम ही सिम इशू करते हैं, बेचते हैं, उन वो टारगेट उठाते हैं हर किसी कंपनी का, चाहे वो जियो है, चाहे वोडा है, और चाहे एयरटेल है, चाहे वो BSNL है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो पटियाला का जो भाई था, पटियाला शहर है वहाँ का एक भाई था, तो उस भाई ने कोई सिम इशू की थी किसी कस्टमर के नाम से। कस्टमर के यार पहले क्या होता था कि पहले नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स फोटोस्टेट करके रख लेते, फिर उसके बाद में वो बंद हो गया, उसके बाद में रजिस्टर देने लगी कंपनी कि भैया कस्टमर का फ़ोटो लगाओ,
उसकी पूरा एड्रेस, नाम और फोन नंबर और सिग्नेचर कराओ, ठीक है। फिर ये चलने लगा, उसके बाद में वो बंद कर दिया। जब से जियो आई तो जियो आने के बाद में ये कर दिया कि सबकी केवाईसी अंगूठा लग के, थंब लग के सिम एक्टिवेट होगी, ठीक है जी। ये चलने लगा, सारी बोडा और आइडिया फाइडिया सब में ये चलने लगा। उसके बाद में वो भी बंद हो गया। फिर क्या हो गया, अब केवाईसी सिस्टम ख़त्म हो गया। सिंपल सा लाइव फ़ोटो खींचेगा, लाइव फ़ोटो जब खींचेगा, जब बंदा कस्टमर पलक मारेगा, आँख की जो पलक है उनको मतलब दबाएगा, तो फोटो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। तो उसके बाद में क्या किया उन्होंने, अब वो बंद कर दिया, अब दोबारा से थंब का सिस्टम कर दिया। एक छोटी सी भी चीज़ बताओ, जब से ये सिम एक्टिवेशन होने चालू हुई हैं, तो मेरे हिसाब से 2013-14 में शायद जियो आ चुकी थी, मेरे को पक्का कंफर्म नहीं है शायद। तो उस दिन से हम सारे दुकानदार जितने सब, कोई फ्रॉड तो कर ही नहीं सकता सिम के साथ में, कैसे फ्रॉड कर सकता, नहीं कर सकता। अब किस कोई बंदा उस भाई से सिम लेके गया, और सिम ले जाने के बाद में अब वो किसको दी किसको ना दी पता नहीं। तो उस सिम से 12 करोड़ का घपलाबाजी हुआ है। अब पुलिस वालों ने उस दुकानदार को उठाया कि जहां से ये सिम एक्टिवेट हुई है, उस दुकानदार को उठा लिया इस केस में। मेरे को पता नहीं है, बाकी जो भाई है उसने मेरे को ये बात बताई है, और मैं थोड़ा अपना एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप अपनी राय भी देना इस वीडियो में कि ये सही है या गलत है, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना। और भाई एकता तुम बनाते नहीं, कोई नहीं बनाता एकता, ठीक है। सब में फूट है, और सब ये सोचते हैं कि वो काम वो नहीं करेगा तो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो उसे पुलिस उठा के लेगी। अब वो बंदा हैदराबाद में है। अब हैदराबाद में अब ये बता रहे कि एक हफ्ता उसे हो गया, वहाँ पे उसे खाना नहीं मिल, मतलब वो नॉर्मल खाने खाने वाला था, मतलब रोटी, वो मीट माट नहीं खाता, वहाँ पे ये है, उसे परेशानी हो रही है, लैंग्वेज बोलने में परेशानी हो रही है। वहाँ हैदराबाद में थोड़ी अलग लैंग्वेज है, हमारी अपनी हिंदी भाषा अलग है। तो उसी दिन से उसकी दुकान बंद है। तो इस भाई ने हमदर्दी लगाओ या कुछ भी लगाओ, इन्होंने मेरे को ये बात कल बताई। मैं कल भी सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ, तो कल मैं वीडियो नहीं लेके, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो आप कब देखो ये मेरे को पता नहीं है। तो भाई देखो, मैं ये चाहता हूँ, अगर आप सिम बेचते तो कभी भी आपको पुलिस उठा के ले जा सकती है, सिंपल सी बात है। क्योंकि कई केस ऐसे मैं देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, देखे मैंने अपनी आँखों से भी हैं, और वो भी हैं। बताओ एक सिम बेचने पे, बताओ आप सिम बेचोगे तो आप पे कितने का नुकसान हो सकता है। मतलब आप फ़ोन का सॉफ्टवेयर कर दो तो आपको पुलिस उठा सकती है, किसी का लॉक खोल दो तो पुलिस उठा सकती है, सिम बेच दो तो आपको पुलिस उठा सकती है। कहाँ तक बचोगे आप, कहाँ तक कोर्ट कचहरी से बचने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं तो लपेटा में आओगे, बताओ क्या करोगे। मैं खुद कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने चाहता, लेकिन मैं भी एक LCD परचेज की थी, बताओ उसमें मेरी क्या गलती थी, उस LCD में मेरी क्या गलती थी जो मेरे को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बताओ। तो भाई मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, एकता बनाओ। जिस जिस एरिया में आप हो, चाहे आप हरियाणा में, चाहे UP में, और जहाँ जहाँ अपने गांव में शहर हैं, सब मिल जुट के ना, किसको डंडा दो, आप दो डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से बोल दो हम पे नहीं हो रही तेरी सिम एक्टिवेट, और ना हम बैलेंस बेच रहे। बैलेंस से कुछ नहीं बचता, कितना बचता बैलेंस से, 2.5% बचता। आप गूगल पे फोन पे दुनिया यूज करते, खुद रिचार्ज कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही वो है तो कस्टमर से 10-5 रुपये फालतू ले लेके, बहुत बंदे ऐसे हैं, बहुत जी के गाँव में ऐसे हैं कि अगर वो 100 रुपये का रिचार्ज करवा रहे हैं तो 10 रुपये फालतू लेके काम कर रहे हैं। बताओ भाई, डिस्ट्रीब्यूटर को डंडा दे दो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो भाई फिर काम करो, वरना मत करो। मैं तो आपको एक अच्छी राय दे रहा हूँ इसको लेके, ठीक है, क्योंकि आपके साथ में ऐसा नहीं। अब मेरे को ये बताओ, वो दुकानदार उठाया गया है, 12 करोड़ के एयरफेयर में फंसा हुआ है, तो कितने पैसे दे के निकलेगा, कितने पैसे दे के निकलेगा, अब ये बताओ भाई क्या करें। हर चीज़ में मोबाइल वालों को ही लपेटे में ले लिया जाता है, क्या करें यार, कुछ समझ में रोग नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी लाइन सही है या गलत है, किसी को कुछ नहीं पता।
किसी को कुछ नहीं पता। अगर आप आज अच्छा काम कर रहे हो और कल कोई बात होगी, बदनामी अलग, शर्मिंदगी अलग, नुकसान अलग, और जो पैसा दोगे वो अलग। अब क्या कर सकते हो आप इसमें, ये बताओ मेरे को, क्या कर सकते हो? अरे राय तो बताओ अपनी। भाई हम सब जितने भाई हैं ना, सबको एक साथ जुट होना पड़ेगा। अगर आप जुट हो सकते हो तो ये काम करो, वरना मत करो, फिर रहने दो। अब आप बोलोगे कि भैया वो काम नहीं करेगा, अजय भाई वीडियो नहीं बनाएगा, और तो हैं और यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे, उनकी वीडियो देख लेंगे। भाई किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के ना डालूं तो आप यूट्यूब से चले नहीं जाओगे, और भी हैं और नए सितारे आ जाएंगे, कोई और कोई यूट्यूबर बना बना के देने लगेगा आपको अच्छी वीडियो। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। और अगर आपको इस लाइन में रहना करना तो एक साथ तो रह सकते हो। चिढ़ना चिढ़ाना क्यों रखते हो, अड़ोसी पड़ोसी तो क्यों चिढ़ते हो? अगर एक किसी की छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, किसी का बैकग्राउंड अच्छा है, किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, सब काम होता पीछे का बैकग्राउंड देख के। आदमी वो ही सफल होता है जो मेहनत करता है और वो करता है, ठीक है? जिसके पास कुछ है नहीं, मेहनत वो बेचारा करेगा कहाँ से, कितनी मेहनत कर लेगा? भाई पहले कुछ चीज़ इकट्ठी करनी पड़ती है और उसके बाद मेहनत होती है। जब थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के बाद में जब कुछ काम करना पड़ता है, जब जाके कुछ होता, ठीक है? अगर काम अच्छा चल गया तो आप बल्ले बल्ले हो जाओगे, अगर काम अच्छा नहीं चला उल्टा माइनस में हो जाओगे, ऐसा भी होता। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि अगर आप सिम सेल आउट करते हो तो कुछ टर्म एंड कंडीशन रखो अपनी, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उनसे कि भाई हम तेरी सिम बेच रहे हैं, अगर काल कला हमको कुछ हो गया, हम पहली बात तो गलत काम होता ही नहीं है। अब मुझे बताओ, बिना मेरी मर्जी के मेरे बिना फोटो खींचे, बिना अंगूठा लगे सिम एक्टिवेट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो फिर अगर वो दुकानदार 12 करोड़ का लफड़ाबाजी करता, वो दुकानदार, तो वो फिर आज भी वो दुकान खोल के बैठता। अगर किसी को 1-2 लाख रुपए, 50-60 हज़ार रुपये थोड़ा कहीं पा जाएं या कहीं किसी से ऐसे ही ले लें, तो वो सोचते हैं कि यार घूम के आएँ, फलानी जगह जाएँ हम, यार पैसे आगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन तो घूम के आ जाते हैं। सब ये चाहते हैं ना। तो यार 12 करोड़ के उसमें झमेले में फंसा हुआ, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो उसने उतना पैसा कमाया नहीं होगा शायद, वो उस चीज़ में लगा सकता, ठीक है? तो भाई मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ कि यार चिढ़ना चिढ़ाना बंद करो और एक साथ जुट हो जाओ और थोड़ा इन चीज़ों पर। मैंने तो आपसे पहले भी बोला था कि जितने भी मोबाइल वाले भाई हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में सारे इकट्ठे होके जाओ, या जिला अधिकारी से कहो कि सर हम ऐसे दुकान खोल के बैठे हैं, हमारे साथ में ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, कभी कोई पुलिस वाला उठा लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, हम ये काम करते हैं या वो करते हैं, तो उनसे बात करो कि हमें कैसे बचना है, क्या चीज़ है, कोई हमारा कोई लाइसेंस या कुछ कार्ड फार्ड ऐसा बना दो जो हम पे ये ना हो, हैं? कुछ नहीं है भाई, सब ऐसा ही है। सब आप ये वीडियो देख के लाइक करके या कुछ ऐसे करके चले जाओगे, 2-4 कमेंट करके, रोटी खा ली मैंने, आपने भी खा ली, सो गए, बस सुबह वो ही है। तो भाई ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरे कहने से नहीं है तो जब ऐसा होता कि जब आप पे बीतती है ना, जब पता पड़ता, ऐसे होता ना कि जब आप पे बीतेगी जब पता चलेगा। दूसरे के दुख का किसी को कुछ नहीं पता, दूसरे के दर्द को कोई समझता कोई नहीं समझता, जिसको लगी होती है, जिसको दर्द होता वो ही समझता इस चीज़ को, ठीक है? तो भाई मेरा तो यही थॉट्स थे इस वीडियो को लेके। ये आप इसे मोटिव लगा सकते हो या कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है? तो मैं और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, इस वीडियो को थोड़ा आगे शेयर कर देना, जो जितने भी दुकानदार भाई हैं उनके लिए शेयर कर देना, क्योंकि वो ऐसे चक्कर में ना फंसें। अब वो कैसे अपना सबूत दे सकते हैं कि भाई मैंने इसी बंदे को सिम दी थी और अब मुझे क्या पता कि इसने किसी को दी या नहीं दी। उस बंदे के बिना जाए वो सिम एक्टिवेट कैसे कर सकता है क्या? आप सबको पता होगा
कि उसके बिना तो वो सिम एक्टिवेट नहीं कर सकता। भैया भगवान जाने आगे कौन गलत है कौन सही है, हम तो इसमें अपनी राय दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, बाकी यही है भैया। देखो किसी के साथ तो कुछ हो जाए तो कुछ पता नहीं है यार इन चीज़ों का ना, थोड़ा अपना सेफ रखो यार। पहले नहीं था ये सारी चीज़ें, पहले तो नॉर्मल दुकान खोली काम किया स्टार्टअप, तो अब तो यार एक एक चीज़ का ऐसे मतलब बस पूछो मत, ठीक है। कहीं तक आप नहीं बच सकते कि क्या करना क्या नहीं करना, कैसे बचें क्या, कुछ नहीं पता किसी को, कब कौन लपेटे में आ जाए कुछ नहीं पता किसी का, ठीक है। शायद हमने इतना पैसा अपनी ज़िंदगी में ना कमाया, इतने पैसे दे के हमें वो करना पड़े, हो जाता है ना कभी कभी ऐसे। तो भाई यही है, अगर ये बकवासबाजी पसंद आई हो ना थोड़ी बहुत, अगर कुछ चाहते हो तो थोड़ा बहुत शेयर कर देना, बाकी रहने देना, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है, बस ठीक है।